पट्टा वाले खान सर एक बार फिर से चर्चा में हैं। एक बार फिर से इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या खान सर जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, क्या खान सर की जेडीयू में एंट्री हो सकती है, और अगर एंट्री होती है तो इसके सियासी मायने क्या निकाले जा सकते हैं। दरअसल जेडीयू के महासचिव मनीष वर्मा से खान सर ने मुलाकात की और उसके बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गई। मनीष वर्मा ने ट्विटर पर खान सर की कुछ तस्वीरें शेयर की और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आज पटना आवास पर बिहार और देश के जाने माने शिक्षक खान सर का आना हुआ। उनके साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने सहित बिहार के विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई। निश्चित रूप से बिहार सहित पूरे देश के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को सुलभ बनाने में आपकी भूमिका सराहनीय है। अब खान सर की मुलाकात अगर जेडीयू के आलाकमान से होती है तो चर्चा तो होगी। तो एक बार फिर से चर्चा होने लगी कि खान सर जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। अब आपको समझाते हैं कि मनीष वर्मा और खान सर की मुलाकात के मायने क्या है। देखिए, खान सर छात्रों और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर खान सर के लाखों फॉलोअर हैं और छात्र भी उनसे जुड़े रहते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए खान सर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से तैयारी कराते हैं। जेडीयू ये मानता है कि खान सर को पार्टी में शामिल करने के बाद बड़ी संख्या में जो युवा वोटर हैं उनको साधा जा सकता है। पार्टी को ये लगता है कि खान सर छात्र छात्राओं और युवा वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, यानी कि महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ खान सर के जरिए ये युवा वोट बैंक भी जेडीयू अपने पाले में लाना चाहती है। यही वजह है कि खान सर से ये दूसरी मुलाकात जेडीयू के आलाकमान की हुई। शुरुआत हुई 25 अक्टूबर से, जब खान सर की मुलाकात होती है नीतीश कुमार से, जिसके बाद ये चर्चा होने लगती है कि खान सर की राजनीतिक एंट्री हो सकती है। लेकिन खान सर ने फिलहाल इस पर इनकार कर दिया था और जेडीयू के रणनीतिकार और राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा से मुलाकात के बाद अब ये माना जाने लगा है कि इस मुलाकात के कुछ ना कुछ मायने जरूर हो सकते हैं। हो सकता है कि खान सर की एंट्री जेडीयू में हो जाए, क्योंकि अगर खान सर जेडीयू का दामन थामते हैं तो इसका सीधा मुनाफा जेडीयू को होगा। युवा वोट बैंक को तब्दील करने में खान सर की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।